जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सचिव एग्जाम पर मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान, 35 करोड़ का जवाबदार कौन, देखिए पूरी जानकारी। एक विषय आया ग्राम सचिव का। ग्राम सचिव में एग्जाम हुआ, एग्जाम होते ही तुरंत ही जानकारी मिल गई कि इसके अंदर इसकी जो आंसर की है उसको किसी एक ढंग से प्रोक्योर किया गया है, वहां स्टाफ के अंदर से किया गया और उसको सारे प्रदेश में जो लोग इस गैंग में थे उन गैंग के माध्यम से वो की आंसर चली गई है। और जब चली गई है तो उसका शाम तक ही रिपोर्ट मिल गई है, और शाम तक जो रिपोर्ट मिली है तो हमने उन लोगों का इनका एक्शन क्या हो सकता है सुझाइए। उसमें कई एक्शन थे कि भी एक बार चेक कर लेते हैं कितने से पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, जहां जहां की गई है वो आंसर की उसका कितने लोगों ने नकल की कितने नहीं की। अल्टीमेटली एक सख्त मैसेज देने के लिए ये काम गलत है, और जो कल्प्रेट है उनको पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो और इस पेपर को रद्द करो। उन्होंने कहा 35 करोड़ का खर्च आएगा। हमने कहा 35 करोड़ सरकार देगी, लेकिन गलत ढंग से कोई भी सिलेक्शन ये हमको मंजूर नहीं है। हमें तो सिर्फ 35 करोड़ रुपए का खर्च देना है ना, बाकी कमीशन का काम है, कमीशन निर्णय ले। उनका कि आप 35 करोड़ देते तो हम इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा कराएंगे। हमने कहा कराइए, और FIR लिखी गई। उस FIR में आज अलग अलग जगह 7 FIR, 3, 3, 6, 8 FIR हैं, और इन 8 FIR के अंदर 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 9-19 अभी भगोड़े हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। ये इतना बड़ा गिरोह निकला है, और इसमें एक चौंकाने वाली बात है, ये गिरोह एकदम पैदा नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो खेल खेलने वाले लोग ये बहुत ऊपर तक जुड़े हुए रहते हैं। हमें कुछ इस ध्यान नहीं आया, अलग बात है, ध्यान आ जाए तो बख्शा नहीं जाएगा। ये मनोहर लाल की सरकार है।